अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, एक बार फिर आपको मेरे सामना रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू हो रहा है, और सबसे बेहतरीन तो हमारी प्लानिंग यही थी कि हम रमज़ान में वैसे भी एमसीक्यूज़ करेंगे, तो अल्लाह ने एक मौका हमें इस तरीके से एमसीक्यूज़ करवाने का दिया आप लोगों को। और जो मैंने फ़र्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने का सोचा, वो वजह ये है कि चैप्टर नंबर 2 के जो है काफ़ी क्वेरीज आई थी मेरे पास कि सर ये फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो मैंने प्लान किया वो यही था कि चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू ही करवाया जाए आप लोगों को। अच्छा, कुछ सेटअप इस तरह बनाया है हमने कि तकरीबन हर चैप्टर के 40 to 50 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इन रिकॉर्डिंग्स, ठीक है? और उसके सोल्यूशन बताता जाऊँगा मैं आप लोगों को। अच्छा, जैसे चैप्टर नंबर 2 है तो काफ़ी चीज़ें इसमें न्यूमेरिकल टाइप की भी है ना, एमसीक्यूज़ जो हैं, तो वो भी हम बाकायदा सॉल्व तो नहीं करेंगे, वर्बली बताता जाऊँगा मैं आप लोगों को। तो आप लोग जो हैं वो सुनते रहिएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो उस एमसीक्यू नंबर को नोट कर लीजिएगा और फिर मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा कि सर ये वाला एमसीक्यू जो समझ में नहीं आया, काइंडली इसको दोबारा से एक बार बता दीजिए, ठीक है? अच्छा, फिर इसी चैप्टर का एक असाइनमेंट तैयार किया हुआ है मैंने, जो कि कुछ एमसीक्यूज इस लेक्चर वाले हैं और कुछ जो है मैंने नए उसमें इंसर्ट किए हुए हैं, ठीक है? तो वो आपको कैंपस से असाइनमेंट मिल जाएगा, मंडे या ट्यूसडे को आप लोग चले जाइएगा और वहाँ से ले लीजिएगा एडमिन से जाकर जो एमसीक्यूज यहाँ पर हैं। अच्छा, ये मत कीजिएगा कि आपने लेक्चर मेरा दोबारा खोला और देख के जो है वो टिक लगाना शुरू हो गए, तो इससे ना फ़ायदा नहीं होगा, ना आपका फ़ायदा होगा ना फिर जो है मेरा इतना बोलने का और इतनी मेहनत करने का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक एक एमसीक्यू को बनाना और फिर उसको टाइप करना, फिर उसको प्रेजेंटेशन पर लेके आना काफ़ी टाइम बिंग भी है और इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला एमसीक्यू देखते हैं अपना। देखिए जनाब, पहले एमसीक्यू में क्या कह रहे हैं आपसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मैं ज़रा पेन भी ले लूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से बात समझ में आ जाए। बल्कि पेन के बजाय हम जो हैं वो एक लाइटर यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर एफ एंड एफ, यानी कि दो सेम वैक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है, एफ है, ठीक है? वैन दे आर इंक्लाइन एट ऑफ डैश एंगल, यानी किस एंगल पर ऐसा होगा कि जब उनका मैग्नीट्यूड भी और दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो जाए। देखिए, जब भी ऐसा सिलसिला हो ना कि आपको मैग्नीट्यूड दिया हो, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी बताया गया हो और एंगल निकालना हो, ठीक है, या एंगल दिया गया हो और दो वेक्टर्स दिए हुए और रिजल्टेंट निकालना हो, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है? एक एक एमसीक्यू को हम आराम से डिटेल में जो है सुनेंगे भी और समझेंगे भी। क्या कह रहे हैं कि जब भी दो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनका रिजल्टेंट दिया हुआ, एंगल फाइंड आउट करना हो, या फिर एंगल दिया हुआ दो वेक्टर्स दिए हुए और रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, तो आप अपने ऊपर ये बात फर्ज कर लीजिए कि आपने हमेशा लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है, ठीक है? लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास क्या होता है कि एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस टू प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। अच्छा, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ लिखते भी जाना अपने पास सारी की सारी। देखो, जब लॉ ऑफ कोसाइन लगाओगे तो हमसे कह रहे हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो भी एफ हैं और मैग्नीट्यूड भी एफ हैं, तो क्या करोगे, एफ की जगह भी एफ, एफ वन की जगह भी एफ और एफ टू की जगह भी एफ हो जाएगा, ठीक है? जब सॉल्व करने लगोगे सेकंड स्टेप क्या आएगा तुम्हारे पास, एफ इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ इंटू एफ कॉस थीटा, ठीक है? अगला स्टेप क्या हो जाएगा कि एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, सही है भाई? अब अंडर रूट के अंदर दो टू एफ स्क्वायर आ गए, यानी कि एक एफ स्क्वायर प्लस करके और एक टू एफ एफ मल्टीप्लाई करके तुमने क्या किया कि इन टू एफ स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। जब तुमने कॉमन निकाला तो अंदर रह गया वन प्लस कॉस थीटा, उसके बाद तुमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दी, ठीक है? जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दी तो बन गया तुम्हारे पास इक्वेशन इस तरीके से कि एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एफ स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस थीटा। दोनों साइड पर एफ स्क्वायर मौजूद था, तुमने एफ स्क्वायर कैंसिल कर दिया, टू क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास अब बन गई टर्म वन अपॉइंट टू इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है? अब वन जो है वो ऐड हो रहा है, मतलब क्या माइनस हो जाएगा, यानी कि हाफ माइनस वन माइनस हाफ, तो अब लास्ट सेकंड लास्ट जो स्टेप बनेगा वो बनेगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है? और कॉस यहाँ के इन्वर्स हो जाएगा, तो जब तुम थीटा कॉस इन्वर्स अप्लाई करोगे वन अपॉइंट माइनस वन अपॉइंट टू के ऊपर, तो तुम्हारा आंसर आएगा 120 डिग्री। इसको करके देखना, आंसर 120 डिग्री ही आएगा, ठीक है? ये एमसीक्यू हो गया, इस टाइप में जितने भी एमसीक्यूज होंगे सारे के सारे सब पे तुम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करोगे, ठीक है? अब आओ दूसरे एमसीक्यू के ऊपर।
या तुमसे कह रहे हैं कि आर इंटू आई क्रॉस आई इज इक्वल टू, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा मैंने बताई थी एक बात कि बेटा सेम यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो आई और आई आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, आई और आई दोनों सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, और हो क्या रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई क्रॉस आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। और जब आर मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो आंसर भी क्या आएगा आपके पास बच्चों, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात थी ये। तीसरा एमसीक्यू देखिए, तीसरे एमसीक्यू में कह रहे हैं आपसे कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव व्हेन। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आपसे कह रहे हैं कब ऐसा होगा कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाए। हमें पता है कि एंगल हम क्या क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, 30 लेते हैं, 60, 90, 45, 120, 180। ठीक है, अब देखें ऐसा कब होगा, यहाँ चार ऑप्शन है, दे आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल मतलब एंगल इन बिटवीन दैम इज 0 डिग्री, सही है, दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर इट्स मीन द एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर इट्स मीन द एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री। जब तुम ए बी कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वो आंसर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। जब तुम कॉस थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो कॉस 90 जीरो होता है, आंसर जीरो हो जाएगा। लेकिन जब तुम कॉस 180 पुट करोगे तो आंसर तुम्हारे पास -1 आएगा, और इसका मतलब क्या होगा कि स्केलर प्रोडक्ट उस दो वैक्टर्स का उस वक्त नेगेटिव होता है वेन दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एमसीक्यू नंबर 4। अच्छा जनाब, ये भी एक यूनिट वेक्टर का ही एमसीक्यू है। कहा जाता है कि इफ द यूनिट वेक्टर आई एंड जे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन, अच्छा अगर आई और जे यानी कि एक्स एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर ये अगर लिया जाए और हमें पता है कि सारे एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस तरीके से सारे यूनिट वेक्टर्स भी एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आई और जे अगर यूनिट परपेंडिकुलर हैं तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या आई क्रॉस जे जीरो होता है। अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, प्रॉपर्टी पढ़कर आए थे कि आई क्रॉस जो है वो जीरो नहीं बल्कि वो तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, मतलब क्या हुआ कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे ऑप्शन की, तो वहाँ लिखा हुआ आई डॉट जे इक्वल्स टू जीरो, अच्छा आई डॉट जे इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल सही बात। क्यों सही बात, क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब देखें एंगल क्या है दो यूनिट वेक्टर के दरमियान, एंगल हमारे पास है दो यूनिट वेक्टर से रहना 90 डिग्री। ठीक है, जब एंगल 90 डिग्री है तो आप लोग ये बात जानते हैं कि कॉस 90 हमारे पास बच्चों क्या होगा, कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास बनेगी जीरो, और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डॉट जे का जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर जाहिर है जब दो वेक्टर्स हैं तो दो यूनिट वेक्टर्स वहां से भी क्या होगा, जीरो होगा। इट्स मीन कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई डॉट जे इज इक्वल्स टू आई जे कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, थीटा की वैल्यू मेरे पास बनेगी 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट्स मीन आई डॉट जे इक्वल्स टू जीरो हो गया। ये चौथा ही समझ में आ गई बात ये वाली। अच्छा उसके बाद फिर तुमसे कह रहे हैं कि एमसीक्यू नंबर फाइव क्या है जनाब, एमसीक्यू नंबर फाइव भी जो है वो यूनिट वेक्टर्स के ऊपर ही है। इसमें कहा जा रहा है तुमसे कि जे क्रॉस के, पहले ब्रैकेट वाले एमसीक्यू सॉल्व होंगे, ब्रैकेट वाले क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है ब्रैकेट वाले, जे क्रॉस के बराबर होगा तीसरा यूनिट वेक्टर के बराबर, तीसरा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई होता है। देखिए जब भी दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, या क्या लिया जा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ना, जब भी दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो हमेशा उनका आंसर तीसरा यूनिट वेक्टर होता है। जैसे यहाँ पे सपोज कर लें बात कि जे क्रॉस के लिया जा रहा है, तो जे क्रॉस के का जो तीसरा यूनिट वेक्टर होगा वो कौन होगा, आई होगा मेरे पास। ठीक है, तो आई क्रॉस आई, फिर वही वाली बात आ गई, सर आपने बताया था कि आई क्रॉस आई यानी कि दो सेम यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो आंसर भी इसका भी क्या हो गया, जीरो हो गया। सही है, अब चलो आगे, अगला एमसीक्यू, अगला एमसीक्यू क्या कह रहे हैं, अ वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज ऑलवेज कॉल्ड, जब कोई भी ऐसा यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन एक, मैग्नीट्यूड एक, इज ऑलवेज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो डेफिनेशन है सिंपल यूनिट वेक्टर की, पता है आप लोगों को, ये बात सारी बातें बता चुका हूँ मैं ये वाली आप लोगों को क्लास के अंदर ही। सही है जनाब, चले आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, फिर एक और हमारे पास एमसीक्यू यूनिट वेक्टर वाला ही, आई क्रॉस जे, ये बिल्कुल एमसीक्यू जो है एमसीक्यू नंबर 5 जैसा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट के क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे के बनेगा सर, फिर के क्रॉस के क्या हो जाएगा, फिर वही जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा जनाब, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड में कह रहे हैं इफ टू वैक्टर्स, इफ टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ मेक एन एंगल 180 डिग्री विद ईच अदर द रिजल्टेंट इज, अब जरा सुनना बात को गौर से, दो वैक्टर्स हमारे पास हैं,
अपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट वर्ड है एक लेफ्ट वर्ड है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? उनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा? जीरो बनेगा। फिर अगर देखो, एक तो कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो बनेगा कैसे कि देखो कोई रिजल्टेंट बन ही नहीं सकता ना, एक राइट वर्ड है एक लेफ्ट वर्ड है। रिजल्टेंट के लिए जरूरी है कि उसके जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल से लगी हुई, और उसका जो हेड है वो आखिरी वेक्टर के हेड से लगा हुआ, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन वाला, तो क्या लगाओगे तुम? फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, लेट सपोज एफ इज इक्वल्स टू एफ वन स्क्वायर अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की जगह तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तुम ये बात जानते हो कि कॉस 180 क्या होता है? माइनस वन होता है। अब एफ वन भी एफ है, एफ टू भी एफ है, तो एफ वन भी एफ और एफ टू भी एफ, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर, वहां से भी टू एफ स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई कराओगे लेकिन आएगा माइनस का टू एफ स्क्वायर, तो टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। तो ये भी बात खत्म हो गई, आंसर क्या बन गया? जीरो बन गया। अच्छा, फिर चलें आगे, नंबर नाइन देखें। नंबर नाइन में कह रहे हैं आपसे कि इफ द वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, द वेक्टर ऑब्टेन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर या फिर फ्री वेक्टर। वही वाली ये भी डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की। दो डेफिनेशन थी यूनिट वेक्टर की। एक हमारे पास ये थी कि जनाब हमारे पास जो है, एक तो जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वन हो वो कहलाता है यूनिट वेक्टर, और अगर हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमेशा हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों? यूनिट वेक्टर ही होगा हमारे पास। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड के। अब जरा ध्यान रहे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। कह रहे हैं बच्चों आपसे कि आई और के का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि आई डॉट के, फिर आई डॉट के। मैंने आपसे आपसे कहा था कि तीनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं दूसरे के ऊपर, तो आई डॉट के मतलब आई के कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो, फिर आई डॉट के भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टेन का आंसर भी बच्चों क्या है हमारे पास? जीरो ही है, ठीक है। इलेवन पे आइए, इलेवन में फिर क्या यूनिट वेक्टर का एक और सवाल आया आपके पास, आई डॉट जे। यहाँ आई डॉट जे क्या होगा? फिर जीरो होगा। आई डॉट जे जब जीरो होगा तो के डॉट जीरो भी क्या होगा? जीरो ही होगा। मैंने डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर से न्यूमेरिकल एमसीक्यूज लिए हैं, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, तो मैंने प्रैक्टिस के तौर पर तीन चार पाँच छः एमसीक्यू जो है वो मैंने यूनिट वेक्टर के डाल अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो कौन सा है? उसमें कह रहे हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन। भाई ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक था, बताओगे आप लोगों को। तो हमने क्या प्रूफ किया था कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है वो क्या आया था हमारे पास? आपको पता होगा कि हमने टॉपिक किया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम पढ़ कर आए थे आखिरी टॉपिक में चैप्टर नंबर 2 का। अगर ट्राइंगल की बात की जाए तो पैरेललोग्राम के अगर दो इक्वल हिस्से कर दिए जाएं डायगनल ड्रॉ करके, तो वो ऊपर और नीचे ट्राइंगल बन जाते हैं, ठीक है। और जब जाहिर है कि ट्राइंगल बन गया यानी कि पैरेललोग्राम का हाफ हो गया, तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। हाफ हो गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा हमारे पास आंसर? 1/2 a क्रॉस b। ये आ गया राइट ऑप्शन आपके पास 12 का भी। अच्छा, अब देखें 13। 13 में कह रहे हैं आपसे अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इट सेल्फ एंड इज अप्लाइड टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड। ये भी डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आप लोगों को स्टार्ट में। ये कौन सा वेक्टर होता है? कि ऐसा वेक्टर जो आप जहां लगा हुआ है इस टाइम वहां से उठाइए और अब उसकी अपनी पोजिशन के पैरेलल फिट कर दें किसी भी वेक्टर के हेड के पास ना, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? फ्री वेक्टर कहलाता है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 14 देखिए बच्चों, 14 में कह रहे हैं कि इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन वेक्टर बी इज ए डॉट बी यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दोनों जीरो हैं और ए जीरो नहीं है तो वेक्टर बी फिर क्या होगा? देखें, अगर ए जीरो नहीं है तो ए यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है, तो बी जो है वो इक्वल टू ए होगा या जीरो होगा या परपेंडिकुलर टू ए होगा या पैरेलल टू ए होगा। सवाल को समझा करें, देखें ए की वैल्यू जीरो नहीं है, या ना यहाँ ए जीरो है ना यहाँ ए जीरो है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू ए मान लो बी को, तो यहाँ हो जाएगा ए डॉट ए, और हम जानते हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट में दो सेम, जब भी दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि उनका आंसर होता है स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ तो जीरो है, हो ही नहीं सकता। फिर आइए एक ही पे अप्लाई कर लें, सब सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। जीरो की अगर बात करें कि ए डॉट बी जीरो कब हो सकता है? जब हमारे पास, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा, ठीक है।
और कॉस थीटा, जब ए और बी पैरेलल होंगे एक दूसरे के, यानी कि एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी 0 हो सकता है। क्या यही कंडीशन हमारे पास यहाँ अप्लाई हो रही है? अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर ए डॉट पैरेलल है, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर रहा हूँ, पैरेलल है ए डॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ ए क्रॉस बी के ऊपर, तो साइन 0 0 होता है, तो ये वाली कंडीशन जो है फिर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे पास कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 1, लेकिन साइन 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 0 हो जाएगा, पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा सुने एक बार, क्या कह रहा हूँ मैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर बी की वैल्यू मेरे पास, बी फॉर एग्जाम्पल पैरेलल टू ए है, बी फॉर एग्जाम्पल पैरेलल टू ए है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू 1 बन जाएगा, लेकिन साइन 0 0 हो जाएगा, इसका मतलब पैरेलल टू ए भी नहीं हो सकता। अगर परपेंडिकुलर टू ए की बात करूं तो कॉस 90 0 होता है, लेकिन साइन 91 होता है, यानी कि ए क्रॉस बी 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर के ऊपर, ये तो 0 रहेगा। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन गलत हो गए। इसका मतलब क्या है कि हर सूरत बी 0 ही होगा, तब जाके ए डॉट प्रोडक्ट भी और स्केलर प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो 14 भी समझ में आ गई बात। 15 पे आइए जरा, 15 में क्या कह रहे हैं आपसे कि इफ ए एंड बी आर टू वैक्टर्स, देन अगर दो वैक्टर्स ए और बी हैं तो कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है, कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वैक्टर प्रोडक्ट फॉलो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस बी डॉट ए, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए और नन ऑफ दीज, तो मेरा ख्याल से इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी सही है, और ये लिखा हुआ है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ये भी सही है। तो दोनों ही राइट ऑप्शन है, इसमें से अगर कोई एक ऑप्शन भी आ जाएगा तो वो भी वही सही होगा। दोनों है तो किसी और टिक लगा देंगे, दोनों सही होंगे आपके पास। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जी बच्चों, इस स्लाइड के पहले एमसीक्यू क्या कह रहे हैं हमसे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी क्लास मैट्रिक में पढ़ कर आए थे, पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, यानी कि पावर इक्वल टू फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, आगे चलें, आगे कह रहे हैं आपसे, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन द वेक्टर्स आर। अब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं आपसे कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, जब ए भी 0 नहीं हो और बी भी 0 नहीं हो, तो फिर क्या होगा चारों ऑप्शन में से। मैंने बताया आप लोगों को कि पैरेलल होगा तो मैक्सिमम होता है, कि ए डॉट बी जो है वो ए बी बन जाता है, अपोजिट होगा तो नेगेटिव। ठीक है, हाँ जब परपेंडिकुलर होगा तब डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कॉस 90 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ए डॉट बी का, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, वो पूरे फैक्टर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो याद रहे बात कि व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, आगे चलिए, आगे कह रहे हैं व्हेन ए क्रॉस ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स ए एंड बी इज, ऐसा कब हो सकता है कि हमारे पास, ऐसा कब हो सकता है बच्चों हमारे पास, कि जब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो भी, और जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है उनका मॉड, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है, दोनों जो हैं वो सेम हो जाए, कैसे, कौन से एंगल पे ऐसा होगा हमारे पास कि दोनों सेम हो जाएंगे। अच्छा देखें, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव लॉ ऑफ कोसाइन की, यानी कि ए प्लस बी का मॉड जब मैं निकालने लगूंगा, लॉ ऑफ कोसाइन हमेशा कब यूज होता है, जब हमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, ठीक है, या तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए होती है हमें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अगर बात करें ए माइनस बी की, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा देखें, एक जगह है प्लस टू ए बी कॉस थीटा, एक जगह है माइनस टू ए बी कॉस थीटा, अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं लेट सपोज, ठीक है ना, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू 0 मतलब जो फैक्टर है टू ए बी कॉस थीटा वाला, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों जगह से खत्म हो जाएगा। जब दोनों जगह से खत्म हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या रह गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे माइनस की बात करें चाहे प्लस की बात करें, तो ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड जो है वो 90 डिग्री पर सेम हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे 19 में कह रहे हैं आपसे कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर टू अ वेक्टर माइनस बी इज इक्वल इन टू, अगर मैं एक वेक्टर मेरे पास ए मौजूद है, दूसरा वेक्टर मेरे पास जो है माइनस बी है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट किसके इक्वलेंट होगा, यानी कि ए वेक्टर में से मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर दूं या डिवाइड कर दूं, या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो मैंने एक ऑप्शन दे दिया, डिवीजन ऑफ सब्ट्रैक्शन में किसके इक्वलेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, जब ए प्लस माइनस बी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी मीन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड एंड बी बन जाएगा। ठीक है, नंबर 20 में आइए, नंबर 20 में कह रहे हैं आपसे वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, ये तो मैट्रिक स्टैंडर्ड के एमसीक्यू है, कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब बोथ इज द राइट ऑप्शन। नंबर 21,
नंबर 21 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इन चारों में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, मोमेंटम है, फोर्स है, स्पीड है, वेलोसिटी। आप जानते हैं वेलोसिटी डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, इट्स मीन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे। अच्छा बच्चों 22 में क्या कह रहे हैं, 22 में कह रहे हैं इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी पॉइंट्स अलोंग जेड एक्सिस देन वेक्टर ए एंड बी मस्ट बी इन मस्ट लाई इन। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो इनका जो तीसरा वेक्टर आएगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर कह रहे हैं सी जेड एक्सिस पर है तो ऑब्वियसली ए और बी किस पर होंगे, एक्स वाई प्लेन पर होंगे, ठीक है ना, ना कि वाई जेड पर होंगे, ना एक्स जेड पर होंगे, बल्कि किस पे होंगे, एक्स वाई प्लेन के ऊपर मौजूद होंगे। बड़ा आसान सा एमसीक्यू है। नंबर नेक्स्ट देखें, नंबर नेक्स्ट में यानी 23 में कह रहे हैं बच्चों आपसे, चले तो एक साथ आ गए, कोई बात नहीं। 23 देखें, 23 में कहते हैं विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। आपको याद होगा ये एमसीक्यू मैंने करवाया था क्लास में भी आप लोगों को, ठीक है। देखें 2 न्यूटन, 2 न्यूटन की दो फोर्सेज हैं, क्या वो हमें वेक्टर, क्या वो हमें जो है 2 न्यूटन का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर सकती हैं? आइए चेक करें। देखें लेट सपोज हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं, पॉजिटिव वाला लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं ना इसके ऊपर, सॉरी नेगेटिव वाला लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब आपके पास फोर्सेस तो 2 और 2 हैं, हमने मान ली कि इनके दरमियान एंगल 60 डिग्री है, इनके दरमियान एंगल क्या हमारे पास 60 डिग्री है, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 हो गया। फिर जो माइनस के बाद 2ab है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 तुम्हारे पास होंगे, फॉर्मूले वाला 2 और ए और बी वाला 2, 2 2 4, 4 2 8, cos 60 वैल्यू 0.5, तो 0.5 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, फिर 8 - 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2, इसका मतलब 2 न्यूटन हमें 2 न्यूटन का रिजल्टेंट दे सकता है। यहाँ आइए दूसरे वाले के ऊपर, 1 न्यूटन और 1 न्यूटन फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, प्लस वाला, क्या कौन सा लगा रहा हूँ, प्लस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। प्लस वाला फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया इसके ऊपर, वैसे लगाया कि जनाब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि दोनों जो मेरे पास वेक्टर्स हैं वो पैरेलल टू इच अदर हैं, ठीक है, पैरेलल टू इच अदर मतलब ये होता है कि एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा जी बच्चों, एंगल कितना होगा मतलब 0 डिग्री होगा, तो 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, फिर प्लस 2 1 × 1 ये भी 2 हो गया, ठीक है। कॉस 0 लिया हुआ, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है 2 × 1 2 हो गया, पहले वाला 2 और ये वाला 2, 2 + 2 4 और 4 का रूट 2 होता है, यानी कि ये भी हमें 2 प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ आइए, यहाँ मैं ले रहा हूँ माइनस वाला, माइनस वाला कैसे ले रहा हूँ, इस तरीके से ले रहा हूँ कि जनाब हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, फिर 2a × b, a की जगह 1, b की जगह 3, 3 × 2 6, ठीक है, और cos 0 डिग्री, cos 0 फिर क्या होगा हमारे पास 1 होगा बच्चों, ठीक है, तो 6 × 2 1 6, 10 - 6 4, फिर 4 का रूट अगेन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आओ, यहाँ किसी सूरत भी जो है वो 2 नहीं बन सकता हमारे पास, कैसे क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17, 17 में तुम होल नंबर्स में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा प्लस या माइनस कर ही नहीं सकते कि 4 आ जाए आंसर, ठीक है। तो इस ये जो है ना 1 न्यूटन 4 न्यूटन जो है वो 2 रिजल्टेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर अच्छा एक और तरीके से देखा जाए तो 2 न्यूटन 2 न्यूटन तो यहाँ 2 नज़र आ सकता है हमें, ठीक है, 2 + 2 4 और 4 का रूट 2, 1 + 1 2 प्रोवाइड कर सकता है, 3 - 1 2 प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन 1 + 4 5, 4 - 1 3, तो इसका मतलब यहाँ से अगर फॉर्मूला भी छोड़ दें, एक ट्रिक अप्लाई करें इसके ऊपर, तो यहाँ पर जो है वो नहीं हो सकता 2 किसी सूरत भी रिजल्टेंट, ठीक है, इसका मतलब 1 न्यूटन 4 न्यूटन विल नॉट प्रोवाइड द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। अच्छा 24 पे आइए, टू सेपरेट अ वेक्टर फ्रॉम अनदर इट्स डैश वेक्टर इज एडेड टू द अदर वन। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी वेक्टर में से मैं उसी वेक्टर को, क्या मतलब हुआ टू सेपरेट अ वेक्टर फ्रॉम अनदर, जब भी हमें किसी वेक्टर में से वही वेक्टर को जो है माइनस करना हो, ठीक है, यानी कि हमें नल वेक्टर, आसान लफ्ज़ में ही समझ लें कि हमें आंसर जो है नल वेक्टर चाहिए हो, ठीक है, क्या चाहिए बच्चों, अच्छा हमें आंसर जो क्या चाहिए हो नल वेक्टर चाहिए, तो सबसे आसान हल ये होता है कि हम उस वेक्टर में जो है उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दें, आंसर क्या आ जाएगा नल वेक्टर आ जाएगा या 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे आपसे कह रहे हैं अ नल वेक्टर हैज़ डायरेक्शन, कभी होती है कभी नहीं होती, ठीक है। अच्छा क्या शो कर रहा होता है नल वेक्टर, बेसिकली दो डिफरेंट डायरेक्शंस के वेक्टर का एडिशन शो कर रहा होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 0 होती है, एग्जिस्टेंस होती है, होता है नल वेक्टर, ठीक है,
इसका मतलब नन ऑफ दीज नाइदर है, मतलब यानी कि इसमें ऑप्शन जो है वो तीनों नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 26। आओ 26 में कह रहे हैं द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट वैक्टर इज, दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, एक होता है एक्स एक्सिस एक होता है वाई एक्सिस पे, ठीक है, उन दोनों के दरमियान यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के दरमियान जो वैक्टर के दरमियान जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री आ गया ऑप्शन। 27 देखें बच्चों, 27 में कह रहे हैं अ वेक्टर इन स्पेस हैज, स्पेस में हमेशा वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होंगे, प्लेन में हमेशा वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, याद रखिएगा बात को, ठीक है, तो स्पेस की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई थ्री कंपोनेंट्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, सही है, आ गया। 28 द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज व्हेन रिजल्टेंट विल बी जीरो, तकरीबन कम से कम कितनी फोर्सेज हमारे पास हों कि उनका रिजल्टेंट जो है बच्चों हमारे पास जीरो आ जाए, ठीक है, तो देखें दो रिजल्ट दो फोर्सेस में कभी रिजल्टेंट जो है वो जीरो नहीं आ सकता, क्यों, क्या दो वेक्टर्स पे कभी भी हमारे पास जो है रिजल्टेंट जीरो नहीं आ सकता, एटलीस्ट तीन हो, तीन कैसे, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो देखें कैसे होगा, रेक्टेंगल में जरा मेरा ये रेड पॉइंटर देखिएगा, एक फोर्स ऐसे आ गई हॉरिजॉन्टल, एक फोर्स आ गई वर्टिकल इस तरीके से, ठीक है, और यहीं से शुरू की इस पॉइंट से जो दूसरा आपने बनाया ना वर्टिकल फोर्स बनाइए, इसी के पॉइंट से वेक्टर लगाया और कहाँ ज्वाइन कर दिया पहले वेक्टर के टेल के साथ उसका हेड, तीसरे वेक्टर का हेड, देखें इस तरीके से कि पहला वेक्टर, ठीक है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली पहला वेक्टर, ठीक है, और पहले वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर की टेल, फिर तीसरे वेक्टर के हेड, फिर दूसरे वेक्टर के हेड में तीसरे वेक्टर की टेल, ठीक है, यानी कि तीसरे वेक्टर का हेड जो है फिर जाके लग जाएगा पहले वेक्टर के टेल के साथ, तो ऐसा मतलब क्लोज पाथ बन गया है, जब भी क्लोज पाथ बन जाता है तो हमेशा रिजल्टेंट क्या आता है बच्चों, जीरो आता है, ठीक है, तो इसका मतलब एटलीस्ट हमारे पास तीन अनइक्वल फोर्सेस होनी चाहिए जिनका आंसर क्या आएगा, हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 29 पे आइए बच्चों, 29 पे कह रहे हैं द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर इज इक्वल टू अ सिंगल वेक्टर व्हिच इज कॉल्ड, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का अगर सम देखा जाए तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास। अगली स्लाइड पे चलिए, अगली स्लाइड क्या कह रहे हैं आपसे बल्कि अगला एमसीक्यू है, पहले देखिए कहते हैं व्हेन अ सर्टेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वेक्टर द डायरेक्शन चेंजेस बाय, कोई भी वेक्टर आपके पास है उसको आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उसके अंदर चेंज, अगर लेट सपोज वो राइटवर्ड वेक्टर है और आपने उसको माइनस वाले यानी कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमेशा हमेशा वो लेफ्टवर्ड बन जाएगा, अगर वो अपवर्ड वेक्टर है तो हमेशा हमेशा वो क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड बन जाएगा, इट्स मीन जो चेंज आ रहा है एंगल का, डायरेक्शन का चेंज आ रहा है, वो कंप्लीट चेंज आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन आ रही है कि 180 डिग्री का चेंज आ रहा है, तो जब याद रखिएगा बात को, जब भी आप किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, अपोजिट मतलब 180 डिग्री का चेंज आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, ये भी निमट गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जी जनाब नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कौन सा है, कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, एक हमारे पास तीन कंपोनेंट्स कर लिए वेक्टर्स के, हमने एक कर लिया ए एक्स, एक कर लिया ए वाई, एक कर लिया ए जेड, ठीक है, ए एक्स वाला मतलब आई आई एफ यूनिट वेक्टर से करते हैं रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस वाले को और वाई एक्सिस वाले को जे से करते हैं और जेड एक्सिस वाले को के से करते हैं, अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई नहीं हो सकता, ए इक्वल्स टू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है, हमारे पास जब भी किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी होती है और एंगल नहीं दिया हुआ, ठीक है, और तीन वेक्टर हमारे पास मौजूद हैं तो फॉर्मूला लगता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो भी सही होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो भी ठीक होगा, और अगर इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो भी ठीक होगा, इसका मतलब कि जब भी आपको किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी होगी यू हैव द फॉर्मूला दैट इज ए इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, या यूनिट वेक्टर्स, सही बच्चों, ये भी नम समझ आ गई बात। चलें फिर आगे 32 के ऊपर, 32 में कह रहे हैं आपसे द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट राइट एंगल टू ईच अदर इज, फिर दो आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं और एक दिया हुआ है आपको एंगल, लेंगे राइट एंगल, अभी बताया था स्लाइड के शुरू में कि जब भी दो वेक्टर्स दिए हुए हों और एंगल भी दिया हुआ हो तो हमेशा हम उस पर क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है फिर बता देता हूँ एक बार, कि ए इज इक्वल्स टू, या यूँ समझ लीजिए कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो ए हेयर ए इज 4 न्यूटन एंड बी इज 3 न्यूटन एंड एंगल इज 90 डिग्री,
तो जब भी एंगल 90 डिग्री होगा तो आपको जो फैक्टर है ना वो वाला 2ab cos थीटा वाला वो लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? इसलिए नहीं, आप जानते हैं कि क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि हमेशा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो वाला फैक्टर लगेगा नहीं, वाला फैक्टर लगेगा ही। सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी एंगल 90 डिग्री हो या राइट एंगल का तस्करा किया गया हो तो हमेशा हमेशा बच्चों आप जो दो वैक्टर्स दिए हैं ना उनका स्क्वायर लें, सम करें और उसका रूट ले लें। दो वैक्टर्स कौन से दिए हमें? 4 न्यूटन और 3 न्यूटन। ठीक है, 4 का स्क्वायर लो 16, 3 का स्क्वायर लो 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट ले लो, आंसर क्या आएगा? 5 न्यूटन। ये रहा 5 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब चलो ऊपर आगे, अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है तुमसे? अगला कह रहा है द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट वैक्टर्स आर 1 न्यूटन ईच, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वैक्टर इज, एंगल क्या बनेगा? देखो एक कॉमन सेंस की बात क्या कि एक्स कॉम्पोनेंट भी तुम्हारे पास 1 न्यूटन, वाई कॉम्पोनेंट भी तुम्हारे पास 1 न्यूटन। ठीक है, एक्स भी जो है वो 1 है और वाई भी तुम्हारे पास क्या है? 1 है। ठीक है, तो तुमसे ये अर्ज कर रहे हैं कि ऐसा कब होगा, कौन से एंगल पर होगा, और नहीं कह ये रहे कि रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल क्या होगा। देखो अपने जहन में ज़रा ग्राफ लाओ देखो ग्राफ मतलब ये आ गया तुम्हारे पास वाई एक्सिस, मैं तेरे बना के दिखाता हूँ, लोगों को पेन मेरे पास मौजूद है। ये तुम्हारे पास आ गया बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है, और ये तुम्हारे पास आ गया लेट सपोज के एक्स एक्सिस। ठीक है, एक और कलर का पॉइंटर ले लेते हैं अपनी क्लास की तरह से, मेरे पास 4 मार्कर्स होते हैं तो मैं यहाँ भी 4 मार्कर्स हो, खैर नहीं लेकिन मैं कुछ ना कुछ कलर यूज़ कर ही लूँगा। देखें ये हमारे पास आ गया लेट सपोज कह रहे हैं 1 न्यूटन ना, तो ये 1 न्यूटन हो गया। ठीक है, फिर तुमसे कह रहे हैं कि जितना एक्स है ना उतना वाई भी है, ये 1 न्यूटन हो गया। ठीक है, अच्छा जनाब, फिर दूसरे कलर से आता हूँ रिजल्टेंट में चलो ग्रीन यूज़ करता हूँ। ये देखो भाई, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूँ, मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ कितना बना? 45 डिग्री का। आसान लफ्जों में ऐसे याद रखें कि जब भी तुम्हारे पास बच्चों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी तो हमेशा हमेशा जो है रिजल्टेंट का जो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। ठीक है, चले ये भी निमड़ गई बात, अब चलते हैं आगे 34 के ऊपर। टोटल 50 एमसीक्यूज खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 एंड ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू, अच्छा देखें ये तीनों एमसी, तीन बार यहाँ एमसीक्यू आया है और तीनों तरीके डिफरेंट आया क्या कह रहे हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू भी 0, ए क्रॉस बी की वैल्यू भी 0। अच्छा कब ऐसा होगा, या कह रहे हैं कि ए की वैल्यू अगर 0 हो तो बी वैक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली 0 ही होगा। ठीक है, जब ए 0 हो गया तो जब तुम बी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर तब भी 0 आएगा। ए क्रॉस बी में जब तुम बी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 34 का आंसर क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 35 देखो, 35 में कह रहे हैं इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 देन। ये जरा सा डिफरेंट है। देखो ए डॉट बी 0 कब हो सकता है? जब तुम्हारे पास वेक्टर्स कैसे हों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि कॉस 90 0 होता है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, ए डॉट बी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। कब? जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। यहाँ आइए ए क्रॉस बी के ऊपर, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। अगर परपेंडिकुलर की बात करूँ साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 1 इंटू ए क्रॉस बी या 1 इंटू ए बी, ए बी बनेगा। इसका मतलब इसका मुझे आंसर चाहिए 1। ठीक है, इसका आंसर क्या चाहिए बच्चों में? 1 चाहिए। इसका आंसर हमें चाहिए 0। तो ऐसा कब हो सकता है कि इसका आंसर जो है मेरे पास 1 आ जाए और इसका आंसर मेरे पास 0 आ जाए? कब आएगा 1? 1 उस वक्त आएगा जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, और इसके अलावा 0 कब आएगा? 0 हमारे पास आएगा जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के अंदर परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। क्रॉस में 1 आएगा मैक्सिमम यानी कि। ठीक है, और 0 कब आएगा? डॉट में जब परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों का ऑप्शन सेटिस्फाई जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? परपेंडिकुलर वेक्टर सेटिस्फाई हो रहा है। सही है, अच्छा फिर चलिए आगे। नंबर 36, ए डॉट बी गिव्स, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में? अगर हम देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं? ठीक है, तो याद रहे बात हमेशा बच्चों आप लोगों को कि ए डॉट बी की हेल्प से हम हमेशा हमेशा जो है वो प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो कम्पिटेटिव ब्लॉग करवाया था तो वहाँ बताया था कि ए डॉट बी बराबर होता है ए इंटू बी ऑफ ए के। बी ऑफ ए मतलब क्या कि बी प्रोजेक्ट कर रहा है वैक्टर ए के ऊपर। ठीक है, बी प्रोजेक्ट कर रहा है किसके ऊपर?
वेक्टर ए के ऊपर। अगर ए डॉट बी लिखा हुआ है उसका मतलब ये क्या है कि बी की प्रोजेक्शन हो रही है कहाँ, वेक्टर ए के ऊपर। ठीक है, अगर बी डॉट ए लिखा हुआ है मतलब ये कि ए की प्रोजेक्शन हो रही है बी के ऊपर। तो दूसरा वेक्टर जो भी होगा ना, जो दूसरे नंबर पर जो भी लिखा होगा, हमेशा उसकी प्रोजेक्शन हो रही होगी पहले वेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 37 पे आइए, 37 में कह रहे हैं इफ एफ इज इक्वल्स टू 4i-2j एंड डी इक्वल टू 3i+4j द वर्क डन विल बी। फॉर्मूला पता है क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। ठीक है, डायरेक्ट करना सीखो। डायरेक्ट करना कैसे सीखोगे, आई वाले आई से मल्टीप्लाई, जे वाले जे से मल्टीप्लाई। अब देखो क्योंकि पता है हमें बात तो कि आई डॉट आई जो 1 होगा और जे डॉट जे जो है वो भी 1 होगा, तो 4 × 3 = 12। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 4 × 3 = अगेन 12। ठीक है, यहाँ भी क्या आ गया हमारे पास, सॉरी 4 × 3 = 12 और 2 × 4 = 8, तो 12 - 8 = 4 जूल्स। दोबारा 4 × 3 = 12 - + - 4 × 2 = 8, 12 - 8 = 4 जूल्स, 4 जूल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद फिर चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड हमें कह रही है कि जनाब इफ ए इज इक्वल्स टू 3i+j देन मैग्नीट्यूड विल बी। अभी बता कर आया हूँ कि जब भी दो वेक्टर्स हो उनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ax² + ay² + az² या जेड तो है ही नहीं, यहाँ सिर्फ ay है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर ले लो, 9, 4 का स्क्वायर ले लो 16, 16 + 9 25, 25 का फिर रूट ले लो तो क्या बनेगा, वो 5 बनेगा। ठीक है, अभी बताई दी बात पिछले पिछले स्लाइड के अंदर। फिर 39 पर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। हम एक बात जानते हैं कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर का आंसर आता है, चाहे वो आई डॉट आई का हो, चाहे वो जे डॉट जे का हो, चाहे वो के डॉट के का हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1, ये रहा आंसर आपके पास। 39 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 40 पे आइए बच्चों, 40 में कह रहे हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, जो आंसर आएगा ए और बी का वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, जाहिर है एक ए और बी के ऊपर, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इज राइट आंसर। बताई थी अभी भी ये वाली बात भी पीछे बताई थी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी होता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में तीसरा वेक्टर हमेशा जो है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब जो तीसरा वेक्टर आएगा यहाँ से, जाहिर है कि सी आएगा, कोई भी नाम दे दें इसको आप, वो परपेंडिकुलर किसके प्लेन पर होगा, ए क्रॉस बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। 40 भी हो गया, 41 पे आइए, 41 में कह रहे हैं कि फिर ये उस ये वर्क डन वाला जो न्यूमेरिकल किया हमने लास्ट लगा आखिरी न्यूमेरिकल आखिरी एमसीक्यू उस टाइप का ये भी देखें, इफ एफ इक्वल टू 8i-2j एंड आर इक्वल टू 6i+8k देन एफ इंटू आर इज, उसी टाइप का सवाल है, 8 × 6 = 48। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 8 × 16 तो 48 - 16 = 32, ये आगे 32। अगला एमसीक्यू, अगला कह रहे हैं आई क्रॉस जे, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू, क्या जे स्क्वायर होता है, क्या जे होता है, नहीं सर, ना जे स्क्वायर होता है, ना जे होता है, ना वन होता है, बल्कि 0 होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जे और जे एक ही डायरेक्शन होगी, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। कैसे, जे क्रॉस जे इक्वल टू जे इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब साइन जीरो, क्योंकि जे और जे की डायरेक्शन तो एक ही होगी ना, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब पूरा फैक्टर जीरो कर देगा, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा फिर चलो आगे, फिर आपसे कह रहे हैं बेटा कि 43 पे आइए, 43 में आपसे कह रहे हैं अ वेक्टर मेकिंग एंगल 63 डिग्री विद एक्स एक्सिस इट्स डैश कॉम्पोनेंट विल बी लॉन्गर, कौन सा कॉम्पोनेंट लॉन्गर होगा, एक्स कॉम्पोनेंट या वाई कॉम्पोनेंट। देखो आसान सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है कॉम्पोनेंट्स का, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, तुम साइन 63 निकाल लो और कॉस 63 निकाल लो, जो आंसर बड़ा आएगा ना, लेट सपोज बल्कि मैंने कैलकुलेट किया था, उसका आंसर आया था कॉस 63 का 0.45 और उसका आया था लगभग, अगर आपका साइंस 63 का 0.89 आया था आई थिंक ना, या 0.89 आया था मेरा ख्याल से, तो 0.89 टाइम्स ऑफ एफ वो वाई कंपोनेंट है और 0.45 टाइम्स ऑफ एफ वो एक्स कंपोनेंट है, तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट बड़ा है जब भी 63 डिग्री है। तो आप अगर डायग्राम भी ड्रॉ करें ना, देखें दिखाता हूँ मैं डायग्राम ड्रॉ करके आप लोगों को, अगर आप डायग्राम भी ड्रॉ करें, लेट सपोज ये तुम्हारे पास आ गया एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, 63 डिग्री कैसा होगा, ऑलमोस्ट इस तरीके का होगा 63 डिग्री। ठीक है, ये 63 डिग्री हो गया और ये तुम्हारे पास आ गया वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो खुद ही देख लो, बनाने से जाहिर हो गया वाई कॉम्पोनेंट बड़ा है और एक्स कॉम्पोनेंट छोटा है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। फिर चलो ज़रा आगे 44 के ऊपर,
44 में क्या कह रहे हैं, टू फोर्सेज ईच ऑफ 10 न्यूटन, ये सवाल अच्छा बड़ा, टू फोर्सेज ईच ऑफ 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन अ बॉडी इफ द फोर्सेज आर इंक्लाइन एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज, अच्छा सवाल है, सुनना गौर से बात को, दो फोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है, दो फोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, अच्छा कैसे निकालोगे इसका आंसर, से सुनो बात को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस कर दोगे 60 और 30 से, क्यों, ये भी देख लो, इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डायग्राम बनाई थी ना तुम लोगों ने, उस टाइप की डायग्राम बनेगी यहाँ पर, जैसे लेट सपोज ये आ गया एक वेक्टर, ठीक है, फिर ये आ गया एक वेक्टर, फिर ये आ गया एक वेक्टर, ठीक है, इसके पैरेलल आएगा ये वाला वेक्टर और इसके पैरेलल आएगा ये वाला वेक्टर, ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा इनका, रिजल्टेंट आ जाएगा बीच में, ये आ गया रिजल्टेंट, एक रफ सी डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ये आ गया रिजल्टेंट इसका, ठीक है, इसका एंगल है, दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको बना के, इसका एंगल है बच्चों 30, ठीक है, और इसका जो एंगल है ये वाला, ये एंगल आपके पास कितना है 60, तो 60 में से 30 माइनस कर दो, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 30 बन जाएगा, 60 में तुमने क्या किया, एक्स कंपोनेंट चाहिए ना, तो तुमने क्या ले लिया 30 डिग्री ले लिया, एक्स कंपोनेंट 60 माइनस 30 कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, फिर लगाओ इसके ऊपर क्या, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन कैसे लगाओगे, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, एफ वन स्क्वायर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एफ वन स्क्वायर तुम्हारे पास बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, फिर तुम्हारे पास बनेगा जनाब, फिर एफ टू का स्क्वायर भी 100 100 प्लस 100 200, ठीक है, और फिर तुम क्या करोगे 2 into A into B 2 in 10 10, ठीक है, 10 10 द 100 100 टू द 200, ठीक है, 200 को मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस 30 से, तो वैल्यू आएगी 0.866 मल्टीप्लाई बाय कॉस 200, ठीक है, 200 आ गया, फिर इसमें क्या कर लोगे कॉस 30 मल्टीप्लाई कॉस 30 वाले 0.866 होती है, ठीक है, 0.86 को मल्टीप्लाई कराओगे किससे जनाब, आप कराएंगे मल्टीप्लाई 200 से, ठीक है, फिर इसमें 200 फिर और ऐड करेंगे, तो ये जनाब आपके पास बन जाएगा लेवल, अगर है आपका रूट ऑफ आंसर हम ले लेते हैं, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं कि देखो कॉस 30 है ना, ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं क्या बनेगा तुम्हारे पास इसका आंसर, ये हमारे पास हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन, वो तुम्हारा पॉइंटर लेके आ जाऊँ मैं, ये देखें 10 का स्क्वायर भी 100, 10 का स्क्वायर भी 100, ठीक है, प्लस 2 into 10 into 10 क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, 200 आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि 100 प्लस 100 200 हो गया, 200 को कॉस 30 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हारे पास बन जाएगा 100 सॉरी माइनस, ये बीच में क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि हम एंगल को माइनस कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो हम एंगल को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, देखो क्या बनेगा एक बार फिर बता देता हूँ, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 200 into cos 30, कॉस 30 वैल्यू थी 0.5, ठीक है, माइनस क्यों किया, क्योंकि एक्स एक्सिस चाहिए, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है एक्स कंपोनेंट का वो है 30 डिग्री, 30 कैसे 60 माइनस 30 किया, क्योंकि माइनस किया है प्लस नहीं किया, प्लस करते अगर वाई कंपोनेंट चाहिए तो प्लस करते तो फिर प्लस वाला लॉ ऑफ कोसाइन लगता है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं एंगल, इसमें माइनस वाला लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा, ठीक है, तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30 हो गया, तो जब लगाओगे लॉ ऑफ कोसाइन तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 into AB, 2 into AB मतलब 200, कॉस थीटा की वैल्यू 0.5, तो 200 मल्टीप्लाई 0.5 100, ठीक है, 200 माइनस 100 100 का रूट ले लो 10 आ जाएगा, ठीक है 10 इज द राइट ऑप्शन, अगले एमसीक्यू पे चलो, अगले में तुमसे कह रहे हैं बेटा कि आ पार्टिकल हैज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली आर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, मतलब 10 मीटर पर सेकंड एक्स कंपोनेंट और 0 क्या हो गया वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है, 46 पे आइए, कह रहे हैं द एंगल बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी हमेशा कैसा होगा अपवर्ड, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड आएगा रिजल्टेंट, सही है, ए क्रॉस बी का अपवर्ड आएगा, बी क्रॉस ए का डाउनवर्ड आएगा, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में कितना फर्क हो गया 180 डिग्री का, 180 डिग्री मतलब पाए, ठीक है, तो 46 का आंसर क्या हो गया पाए आ गया, 47 पे आएगा बच्चों, 47 पे क्या कह रहे हैं आपसे कि ए इक्वल टू 3i + 4j, बी इक्वल टू 2i + 8j, ठीक है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, ठीक है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, पहले ए प्लस बी प्लस कर लो, क्या आएगा तुम्हारे पास ए प्लस बी 3i + 2i 5i, 4j + 8j 12j, ठीक है, तो फिर यहाँ पर लगाओगे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, तो 8 + 4 = 12, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 + 25 169, 169 का रूट ले लो क्या आंसर आएगा 39, ठीक है भाई,
48 पे आइए, 48 में भी क्या कह रहे हैं आपसे, 48 में कह रहे हैं कि अगर ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो सी की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्ट निकालना सीखो उसको भी, कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ। ये वाला सवाल था जिसमें हमने एक बार लैम्डा निकाला था, लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, और पी वेक्टर अननोन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वाला सवाल है ये, ठीक है। तो और ये भी सिखा दूँ किस तरीके से होगा, कि 5 2 10, 7 2 14, ठीक है, 14 + 10 = 24, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, के और डॉट के तो 1 हो गया, ये बन गया -3c, ये कितना बन गया माइनस माइनस प्लस प्लस 3c, 24 भी प्लस का प्लस 3c भी प्लस का, मान लीजिए 24 क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 इधर मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो जाएगा, -3 × 24 -8 इज द राइट आंसर, ठीक है, -8 हो गया। 49 पर आओ, 49 में तुमसे क्या कह रहे हैं, 49 में कह रहे हैं एफ ए इक्वल टू 3i + 9j माइनस के एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन ए माइनस बी इक्वल टू, ये भी वैसे ही होगा जैसे ये वाला सवाल हुआ। देखो 3i + 4i - i, सॉरी 3i - 4i - i, 9j - 2j, क्योंकि माइनस करना है ना इसलिए साइन चेंज होंगे सबके, 9j - 2j 7j, -k - -k - -2k, यहाँ से आंसर आया -1, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ से आंसर आया 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 1 = 50, यहाँ से आंसर आया -2k, तो 2 का स्क्वायर 4, 49 + 1 = 50 + 4 = 54, तो √54 इज द राइट ऑप्शन। 50 पे रहो, 50 पे हमसे क्या कह रहे हैं, 50 पे कह रहे हैं फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम। जब भी दो वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट निकालना होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट कब निकलता है, हमेशा हमेशा 90 डिग्री पे निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात।